अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे? ठीक हो? टिकटॉक है ना जोन सी, वो अनबैन हो गया, आपको भी पता है। सबसे पहले मैं वीडियो भी बनाई है, मैं रोटियां डाल रहा था, बड़ा खुश हो रहा था, मैं ही नहीं पूरी यूट्यूब कम्युनिटी खुश हो रही थी। वैसे पीटीए कह रही थी कि भाई दिसंबर की छुट्टियां टिकटॉक पे, इतना रोड़ा पवाई रखा है। या मुझे लगता है कि कोई ट्रेंडिंग इशू नहीं चल रहा था, या वो अपनी स्किल देख रहे थे कि क्या हम बैन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर वो ये चाहते थे कि टिकटॉकर्स के अकाउंट बने यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो वहाँ पे भी आके पैसा कमा सकें, वहाँ पे भी आके क्रिंजी कंटेंट बना सकें। या फिर एक जगह थोड़ी रहना, बाकी भी अपना कारोबार फैलाएं वो लोग आके। या फिर सीरियसली आखिरी वजह यही हो सकती है कि उन्होंने सोचा होना भी यार हमारा ख्याल है, भी हमें बेकार वीडियोस देखने को नहीं मिल रही, तो अब हम कहाँ जाएं। तो शायद उन्होंने कहा दोबारा से हमें खोलनी पड़े, क्योंकि हमें अब आदत पड़ चुकी है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ जी, अनबैन ही होना चाहिए, कुछ भी बैन नहीं होना चाहिए। जो सी भी चीज़ बैन करनी है उसकी अनबैन तारीख भी बता दिया करो पहले, पहले इस दिन ऐसी अनबैन भी कर देना। बाय द वे यार, गरीब खुश है टिकटॉक से, तो हमें भी खुश होना चाहिए। हूँ असं जाने टिकटॉक से ताकि कोई अच्छा कंटेंट बना के दें, आखिर टिकटॉक को क्रिंजी कंटेंट ही देना है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग क्यों, कब काम आएंगे? ओके जी।